हेलो एवरीवन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडिट इशू मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। लगभग 200 चाइनीज कंपनीज यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और यूएस की जो रेगुलेटर्स है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और पीसीएओबी, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, जो खास पीसीएओबी है, इनके पास में पावर्स है कि जितनी भी कंपनीज यूएस में लिस्टेड है इनके ऑडिटर्स बराबर काम कर रहे हैं ना, ये चेक करना, ये जाकर ऑडिटर्स की जो फाइल्स है वो देख सकते हैं। तो लॉजिकली उनके पास पावर्स है कि जो चाइनीज कंपनीज है उनकी जो ऑडिट फाइल्स है ये भी वो देख सके। लेकिन लगभग 10 साल हो गए चाइनीज गवर्नमेंट ने ये अलाउ नहीं किया कि भाई बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारे कंपनी का लीक हो जाएगा, यूएस को मिल जाएगा। तो उन्हें बोला नहीं, हम हमारे कंपनी को इंस्पेक्शन नहीं करने देंगे। अब इसके अंदर यूएस रेगुलेटर ने बोला ठीक है कि हम आपके जो कंपनीज है उनको डीलिस्ट कर देंगे। इनफैक्ट कुछ कंपनीज चाइनीज डीलिस्ट भी हुई अब, लेकिन जो मेजर 200 कंपनीज थी उनकी डीलिस्टिंग 2024 से होने वाली थी। ये दोनों पार्टीज के लिए खतरनाक है, यूएस का जो स्टॉक मार्केट है उसके लिए भी खतरनाक है, और तो और जो चाइनीज कंपनीज है उनके लिए भी ये खतरनाक है। तो अब क्या किया जाए? दोनों की डील हुई और अब इंस्पेक्शन अलाउ कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दाल में कुछ काला नहीं है, इंस्पेक्शन चल रहा है, वो भी सिर्फ हांगकांग में जाकर ये इंस्पेक्शन ये लोग कर रहे हैं। चाइना में तो अलाउ भी नहीं किया एंट्री। इससे क्या सीखने को मिलता है? यह सीखने को मिलता है कि यूएस कितना पावरफुल है कि दूसरे देशों के ऑडिट्स भी जाकर यह देखता है। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि चाइना कितना पावरफुल है कि उन्होंने 10 साल तक रोक के रखा। और ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चाइना के ऑडिटर्स हैं, चाइना के जो ऑडिटर्स हैं बच्चों, इनकी ऑडिट अब इनको और भी सेंसिटिव बन चुके हैं। इनका ऑडिट और भी सेंसिटिव बन चुका है क्योंकि इनकी और स्क्रूटिनी हो रही है। तो इन्होंने और केयरफुली काम करना चाहिए और अपनी जो ऑडिट रिस्क है उसको और कम कर देना चाहिए। तो जब भी ऑडिटर्स के ऊपर स्क्रूटिनी बढ़ जाती है, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि ऑडिट रिस्क कम कर दें।